हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, हमारी सिटी सारन हेड के नाम से ही बहुत ज्यादा डरने लग गई है। उसने डायनासोरों के अंडों को ही अपना भोजन बना लिया, जिनमें से छोटे छोटे बच्चे निकलने वाले थे। और जब से सारन हेड ने उन बच्चों को खाया है, तब से हमारी सिटी में हाई अलर्ट हो चुका है। पुलिस वाले उस भयानक राक्षस को मारने के लिए दूसरी सिटी से एक शक्तिशाली मिसाइल लेकर आ चुके है और उस पर निशाना साध दिया है। भाइयों, क्या वो इस मिसाइल से मरने वाला है, वैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब ये मिसाइल सीधा उसके सर पे जाके गिरेगी। और ये तो मर गया। वाओ, पुलिस वालों ने इस भयानक राक्षस को मार गिराया है। लेकिन पुलिस वालों ने इस सारन हेड को मारकर असली जंग तो अब स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इस सारन हेड का मौत का बदला लेने के लिए बहुत सारे सारन हेड्स हमारी सिटी में आने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। क्योंकि मैंने भाई यानी समुद्र के नीचे जाकर देखा तो वहां पे एक अलग ही दुनिया है, और इस समुद्र के नीचे एक सीक्रेट पैलेस या फिर कोई सीक्रेट डोर भी हो सकता है, जिसमें से बाकी सारन हेड्स हमारी सिटी में आने वाले है। दोस्तों, पुलिस वालों ने उस सारन हेड को कर हमारी सिटी और उनकी सिटी के बीच के रास्ते को ही तोड़ दिया है। अभी बाकी सभी सारन हेड्स के लिए रास्ता एकदम खुला हो चुका है। वो सभी लोग हमें मिलकर खत्म करने के लिए आ रहे हैं, और ये सभी दिखने में काफी अजीब है। मालिक, क्या हम सब लोग मरने वाले हैं? हाँ, शायद हमारी तो किस्मत ही खराब है। वैसे तुम लोग तो अंदर चले जाओ भाई, कहीं पे जाके छुप जाओ जहाँ पे सारन हेड ना आ पाए। अभी ये लोग तो बस मेरी बातों में ही मगन है भाई, तुम मेरे साथ में नहीं जा सकते। हाँ दोस्तों, हम लोग जाने वाले हैं जुरासिक पार्क में, और वहाँ पे भाई यानी देखना है कि यार कितने डायनासोर के बच्चे अब तक मर चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जुरासिक पार्क में, और यहाँ पे देखो भाई कितने सारे बच्चे मर चुके हैं। उस अकेले सारन हेड ने इतने सारे बच्चों को मार दिया, तो अभी भाई चार चार सारन हेड या फिर उससे भी ज्यादा सारन हेड्स हमारी तरफ बढ़ रहे। वो तो भाई हमारी पूरी सिटी को ही बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम सबका बदला जरूर लेंगे भाई। दोस्तों, मैंने दूसरी सिटी में रहने वाले अपने दोस्त को कॉल मिला दिया है, क्योंकि उसके पास में पुलिस वालों से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल है। अगर एक बार उसकी मिसाइलें हमारे पास में आ गए ना, तो फिर हमें सारन हेड से करने की जरूरत नहीं है। बस हमारी किस्मत अच्छी हुई तो सारन हेड से पहले मेरा दोस्त यहाँ पे होना चाहिए। वैसे हमें ज्यादा देर तक इस जंगल में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये जंगल भाई खतरों से भरा हुआ है, यानी इन सब की तरह हमारी हालत भी हो सकती है। मुझे जल्दी से इस जंगल से निकलना पड़ेगा। लेकिन इन सबको भी लेके चले क्या? नहीं भाई, क्योंकि ये लोग तो मर चुके हैं, अभी इनका ले जाकर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई जिंदा होता तो उनको जरूर लेके जाते। दोस्तों, मेरे को काफी देर हो चुकी है, लेकिन मेरे को एक भी पुलिस वाला नहीं दिख रहा है। पता नहीं सारे के सारे पुलिस वाले कहाँ पे चले गए, अभी देख के आना पड़ेगा भाई। वैसे अभी तो सुबह तो यहीं पे थे, लेकिन अभी मेरे को नहीं नजर आ रहे। शायद वो यानी अपनी मिसाइल को लेकर पता नहीं किसी दूसरी जगह पे भी जा सकते है। यार भाई, अपनी गाड़ियां तो यहीं पे खड़ी करके चले गए, और यहाँ पे एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि पुलिस वाले मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाने वाले हैं। मुझे कैसे भी करके उन सबको ढूंढना पड़ेगा भाई। 3 hours later. दोस्तों, काफी ढूंढने के बाद में ये सब लोग मुझे मिल ही गए, लेकिन मैं यहाँ पे आके देखा तो भाई नजारा कुछ अलग ही है। इनके पास में जेट भी है, जो कि मिसाइल भी छोड़ते हैं, शायद ऐसा ही कुछ है भाई। ये तो काफी बड़े बड़े और आसमान के अंदर भी उड़ रहे। ऐसे तो हम लोग भाई सारन हेड्स को बहुत जल्दी हरा देंगे। वैसे भाई, पुलिस वालों के पास में ये सब चीजें कहाँ से आई? यार इनके पास में इतना सारा पैसा है, वैसे मुझे मारना नहीं चाहिए, वरना ये लोग भाई मुझे ही उड़ा देंगे इन जेट्स की मदद से। चलो जो भी हो भाई, अभी मैं नहीं उड़ा सकता क्या भाई इनके अंदर बैठकर? मेरे को शायद पुलिस वाला बनने की जरूरत है, ऐसा ही कुछ है भाई। अगर मेरा दोस्त आ गया ना, तो उसके पास में इससे भी अच्छी अच्छी चीजें है। और यहाँ पे क्या चीज चल रही है भाई? शायद पुलिस वालों की पिटाई हो चुकी है। सारन हेड यहाँ पे आया होगा भाई, तभी ये पुलिस वाले यार इस ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। अरे भाई, यहाँ पे कोई ना कोई तो अटका हुआ है, और मेरे को दिखा पुलिस वाला ऊपर फंसा हुआ है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। अरे भाई, इसको कौन निकालेगा? यहाँ पे बाकी पुलिस वाले निकालने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे क्या निकलेगा भाई? तू तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। वैसे तू गया कैसे भाई? मुझे भी नहीं पता, इस ट्रेन के ऊपर छलांग लगा दी तूने। एक मिनट रुक, मैं आया। अरे मेरे से छड़ा क्यों नहीं जाता है? ये पुलिस वालों ने काफी अजीब कार यानी बनाई है। मैं छड़ू कैसे भाई? तू नीचे उतर जा, मेरे को चलाने दे। ये नहीं उतरेगा, मेरे को पता है यार। मैं इसकी मदद करूँ तो कैसी करूँ? हाँ, अभी यहाँ से जाना पड़ेगा एक और जंप मारकर। बस आया भाई, रुक जा, बस वहीं पे रुका रहे। अगर तू नीचे जंप मार गया ना, तो तेरी हड्डी पसली तो उड़ जाएगी, बस ऐसा ही कुछ है। मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, ओ सेठ भाई, हम खुद नीचे गिर गए। अच्छा हुआ जमीन पे नहीं गिरे, वरना भाई मेरा तो कदुआ फूट जाता। चलो जो भी हो, मुझे भाग कर छड़ना पड़ेगा दोबारा से। नहीं, भाग कर नहीं इस बार यानी हम लोग ऐसे ही चढ़ेंगे। हाँ बस रुक जा, मैं आ रहा हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ। वैसे तू जंप नहीं मार सकता क्या? अरे भाई, इस बार भी नीचे गिर गया।
और इस बार तो हमारा सर फट चुका है, वो भी काफी ज्यादा। भाई मैं तो नहीं उतारूंगा तेरे को नीचे, तू ऊपर ही अटका रहे। क्यों गया था ऊपर? हाँ यार, इसके चक्कर में दो बार मेरा कदुआ फूट चुका है, जो कि काफी बुरी बात है ना। चलो जो भी हो भाई, ये खुद उतर जाएगा। वैसे मेरे पास में एक और प्लान है। हाँ, हम इसको उतार कर इस गाड़ी को पीछे ले लेते हैं। वैसे ये कुछ भी नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है बस। यार कर तो रहा है, लेकिन नीचे उतर भाई, तेरे से कुछ नहीं होगा अभी। यार ये तो काफ़ी बुरी बेइज्जती हो गई इस पुलिस वाले की। मैंने इसको यानी इतना भी बुरी तरीके से नीचे नहीं उतारना चाहिए था। चलो जो अभी हो। हाँ अभी हुई ना, सही। वैसे वो पुलिस वाला गया किधर भाई? वो गाड़ी समेत गायब हो गया। चलो जो भी हो। और भाइयों आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी जल्दी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। वैसे सारन हेड के वीडियोस कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं तो भाई कमेंट में सारन हेड भी लिख दो, या फिर अपना नेम लिख दो। इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज योर नेम। वैसे काफी सारे लोगों के नाम पता है मुझे, लेकिन कुछ लोगों के नाम अभी भी मुझे नहीं पता है, तो जल्दी से अपना नाम कमेंट में लिख दो भाई, जल्दी से लिख दो। चलो भाई यहाँ पे कार तो सही हो चुकी है, और ये पुलिस वाला क्या कर रहा है? भाई तू उसको ढूंढ रहा है ना, वो नहीं मिलेगा तुझे, क्योंकि वो यानी गायब हो चुका है। दोस्तों अभी मुझे इंतजार है बस रात होने का, क्योंकि वो सब लोग रात को ही बाहर निकलते हैं भोजन करने के लिए, लेकिन इस बार हम लोग उनका भोजन करेंगे भाई। तो दोस्तों रात हो चुकी है और अभी तक भाई वो नहीं आए, अभी मेरे को भी नहीं पता क्यों नहीं आए। शायद वो सिटी के किसी दूसरे इलाके में होंगे, ऐसा ही कुछ है भाई। पुलिस वाले भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे तीन तीन टैंक भी आ चुके हैं। अभी तो भाई खलास होने वाले हैं भाई, आज कुछ भी हो जाए वो सब लोग हमारे हाथों से नहीं बचेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, ऐसा ही कुछ है। अभी यहाँ पे जुरासिक पार्क में भी लाइटिंग कर दी गई है, ताकि हम लोग आसानी से उन्हें देख पाए, वरना वो हमें फिर से चकमा देकर भाग जाएंगे। यहाँ पे जेट अभी भी उड़ रहे, मेरे को दिखा भाई, वो देखो सामने दो दो जेट आसमान के अंदर। वैसे रात काफ़ी हो गई ना, तब शायद ये अच्छी तरीके से नहीं दिख रहे। वैसे रात के अंदर भाई ये मिसाइल कैसे छोड़ पाएंगे? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये लोग रात के अंदर मिसाइल नहीं छोड़ सकते। ये लोग भाई कभी यानी हमारे ऊपर ना छोड़ दे, सारन हेड तो बच जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। वैसे वो कहाँ पे छुप सकते हैं? तो ये जुरासिक पार्क है, क्योंकि ये जंगल भाई काफी ज्यादा बड़ा है और उनके लिए छुपने की बेस्ट जगह है। लेकिन वो कहीं और भी तो छुप सकते हैं ना। इस बार वो इस जंगल से बाहर नहीं निकले, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मेरे पास में एक आइडिया है, हम लोग ये ट्रेन लेके जाएंगे और पूरी सिटी के चक्कर लगा के आएंगे, क्योंकि ये ट्रेन की पटरियां है ना पूरी सिटी के चारों तरफ बिछी हुई है, और हम लोग इसके अंदर बैठ के जाएंगे। वैसे मेरे को तो लेके चल भाई, ये तो जा रही है, मुझे इसको रोकना पड़ेगा भाई, मैं तो भूल गया रोकना। हाँ अभी चलते इसके अंदर बैठ कर, और प्लान के मुताबिक मुझे पूरी सिटी के चक्कर लगा के आना है, यानी कोने कोने तक जाके आना है, ताकि सारन हेड्स मुझे देखकर मेरे पीछे पीछे आए और मैं उन सबको लेकर यहाँ तक आ सकूँ। फिर तो पुलिस वाले संभाल लेंगे भाई उन सबको। चलो चलते। वैसे यार ये गाड़ी मेरे ट्रेन के थोड़ी टच होगी। नहीं नहीं, वैसे पुलिस वालों ने एकदम समझदारी से खड़ी की हुई है। ये देखो, मैंने सोचा कि ये ट्रेन से टकरा कर फट जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चलो चलते हैं एक बहुत ही लंबे सफर पर। वैसे भाइयों मेरे को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि सारन हेड मेरी ट्रेन को पकड़कर मुझे मार भी सकता है, ऐसा ही कुछ है भाई। क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि वो कितनी तेज दौड़ सकता है, वो काफी तेज भी दौड़ सकता है, इसलिए हमें इस ट्रेन को बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर रखनी पड़ेगी। वैसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेट जस्ट हमारे ऊपर है। ये देखो भाई एरोप्लेन हमारे ऊपर है, किधर गया वो रहा देखो, और वो हमारे साथ साथ पूरे सफर तक जाने वाला है। वैसे ये ट्रेन हमारी सिटी का एक चक्कर लगाने में कितना ज्यादा टाइम लगाने वाली है, आज ये भी पता चल ही जाएगा। वैसे इस ट्रेन के अंदर कोई बैठा भी नहीं है ना, अकेला आदमी तो वैसे ही डर के मारे मर जाएगा। ये देखो भाई फिर से आया ना जेट, हमारे पीछे पीछे उड़ रहा है, ये हमारे पूरे लंबे सफर तक चलने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो हो चुका है बहुत ज्यादा लंबा, हम लोग सारन हेड की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, यानी आगे भी इसकी वीडियोज आती रहेगी। तो भाइयों मिलेंगे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।